तुम्हारे बच्चों के स्कूल कौन बंद कर रहा है, तुम्हारे जो सरकारी संस्था है उसका निजीकरण कौन कर रहा है, विदेश भेज देंगे ब्राह्मण को तो यूरेशिया भेज देंगे, हम मूल निवासी हैं, ये सब लोग जो है आरएसएस का बी टीम। 272 एमपी चाहिए ना, बताओ कहाँ कहाँ से जीतोगे। तो नहीं 50 वोट एक इलेक्शन में लाएंगे, कहीं 100 वोट लाएंगे, हुक्मरान है राजनीति तो उसी की जिंदा रहेगी जिसके संस्थान होंगे, जिनके इंटेलेक्चुअल होंगे। अगर ब्राह्मणवाद जिंदा है तो राज सत्ता की वजह से जिंदा नहीं है। तो बगैर स्कूल कॉलेज में बात किए हुए, बगैर अखबार पे, बगैर मीडिया के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर इंटेलेक्चुअल के, बगैर रिसर्चर के, सबको हुक्मरान बनाने 545 ही बनाओगे ना। हवा में खाली कहते हो कि रोज भारत बंद कर रहे हैं, हर 2 महीना में भारत बंद कर रहे हैं, चार एक मोहल्ला तो बंद नहीं करा सकते यार। रियल वर्ल्ड में आओ, पैसा बचा के घर के बगल में एक गरीब बच्चा है उसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम, ये सब रियल बात है। सर न्यायिक अधिकार महाकुंभ में आए हैं आज और इसमें तमाम मुद्दे उठाए गए, स्पेशली जो नफरत और जिसके खिलाफ देश में माहौल बन रहा है हिंदू राष्ट्र और नफरत बढ़ाने का, इस पर कंट्रोल कैसे होगा? इसमें हमारे कुछ नेता भी जो है ना गाहे बगाहे या अंदर से सेटिंग करके हमारे SC ST OBC समाज को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए ऐसे मौके पर इस तरह का कार्यक्रम जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेटरिक में राजनीतिक नहीं होती है, खाली रेटरिक जिनके पास संसाधन और सत्ता हो वो रेटरिक दे तो उनको तो सूट करता है, लेकिन जिनके पास रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा मतलब रहने के लिए अपना घर नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप जो है इतने बड़े बड़े नारे दे रहे हो, जो बेसिक बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना भाई, अगर उसी समय सब कुछ ब्राह्मणवादी होता तो डॉक्टर अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे तो सीधे संविधान क्यों बनता, मनुस्मृति ही लागू हो जाना चाहिए था ना, तो संविधान बनाया गया, उसमें इतने लर्नेड पढ़े लिखे लोग थे, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसको इस उम्मीद पर छोड़ दिया गया कि हमारे जो भावी पीढ़ियां होंगी कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, इसकी मैं कैसे अभी भविष्यवाणी कर सकता हूं कि भावी पीढ़ियां, विजडम पे छोड़ा गया था, लेकिन 70 साल में देख लीजिए जिस विजडम पे छोड़ा गया था उससे आगे गए हैं या पीछे आए हैं ये तो समझना पड़ेगा ना। तो 70 साल में जो डेवलपमेंट हुआ था, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बने थे, यूनिवर्सिटीज बने थे, कॉलेज बने थे, सब कुछ धीरे 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 बेच रहा है, और उसको फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन में जो कहता हूँ। अभी दिल्ली में आपने एक देखा है कि कोबलर को वर्मा नाम हटाने को हटवा दिया उसको, जी हटवाया ना, जब मंदिर पे जाता है तो वहाँ पिटाई लगती है, जब शादी में घोड़ी चढ़ता है तो पिटाई लगती है, तो हिंदू कैसे है? वैसे ही लोगों को कई बार जो है ना कॉमनल हेट्रेड के लिए, कॉमनल वायलेंस के लिए वैसे लोगों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए कम से कम जिस तरह की बातें यहाँ हो रही है, आई ओपनर है कि कम से कम आंखें खोलो, तुम्हारा हक कौन खा रहा है, तुम्हारे बच्चों के स्कूल कौन बंद कर रहा है, तुम्हारे जो सरकारी संस्था है उसका निजीकरण कौन कर रहा है, ये तमाम मसलों को पहचानो। और जैसे आरएसएस बीजेपी वाले लोग कहते हैं ना कि मुसलमान पाकिस्तान भेज देंगे, तो उससे हमारे दलित भाइयों को खास तौर से लगता है कि मुसलमान पाकिस्तान जाएगा तो सारा जमीन अब जो बंगला है नवाब साहब मेरा ही होगा, तो मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है उसको नशा में डाल देता है मिलने वाला है। उसी तरह हमारे कुछ दलित हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, वो पूरी एनर्जी वैसे मुद्दे पे लगा रहे हैं जो अनरियलिस्टिक है, विदेश भेज देंगे ब्राह्मण को तो यूरेशिया भेज देंगे, हम मूल निवासी हैं, ये सब लोग जो है आरएसएस का बी टीम। सर समाज मूल निवासी कह रहे हैं, हाँ इसलिए बता रहा हूँ ना, मूल निवासी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, या तो बाबा साहब को मानते हो या फिर मूल निवासी मानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया जब सिटीजनशिप डिफाइन हो गया तो अब कौन विदेशी या कौन देशी, जिसका जन्म यहाँ पे हुआ वो ऑलरेडी यहीं का आदमी है, तो फिर मुस्लिम को जो मंच पे बैठाते हो दाढ़ी वाले लंबे पठान साहब को, तो वो कैसे मूल निवासी हो गए फिर, तो वो कन्वर्टेड है ना, इसलिए मूल कैसे कन्वर्टेड है, वहाँ से जो आए थे तो कुछ लोग तो यहाँ रुक गए थे ना, जो गोरे चिट्टे लंबे हैं तो वो है ना जिन्होंने, जो कम लोग अधिकतर लोग को थोड़े मंच पे बैठाते हो, वो कम लोग के पास जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको बैठाते हो, कुछ माल वाल मिल जाए उससे तो जाके देख लो मंच पे चेक करना। तो ये पूरा आइडिया जो है ना, डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई किस बात की थी, ये उन लोगों से पहले पूछो कि डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई क्या मान सम्मान, सम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी हिस्सेदारी भागीदारी सुरक्षा इसकी थी,
कि उनकी लड़ाई ब्राह्मण को विदेश भेजने की थी, मूल निवासी की थी, पहले इसमें से क्लियर कर लो तब बहस आगे बढ़ेगी। उनकी लड़ाई इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो रोजगार का सवाल है, जो शिक्षा का सवाल है, तमाम ऐसे सवाल जो है आप सेकेंडरी बना दे रहे हो, और दलितों को आप जो है ना ऐसे अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखा रहे हो कि संसद के गुंबद पे चढ़ के एकदम नीला झंडा फहरा देना है। कैसे फहराओगे? 272 एमपी चाहिए ना, बताओ कहाँ कहाँ से जीतोगे? तो नहीं, 50 वोट एक इलेक्शन में लाएंगे, कहीं 100 वोट लाएंगे, हुक्मरान जो है बनने का सबको अनरियलिस्टिक ख्वाब दिखा रहा है। तो हुक्का वो बोलते हैं ना कि कबूतर दिखा के कौआ खिला देगा, बटेर दिखा के कौआ खिला देगा, तो उसी तरह हुक्मरान के चक्कर तो ये भी जाता है कि जब तक हमारी जो आबादी है, दबे कुचले पिछड़े जो लोग हैं, अगर वो ख्वाब नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ख्वाब देखो ना कि तुमको अमर्त्य सेन भी 10 पैदा करना है, तुमको नोबेल प्राइज भी लेना है, बुकर प्राइज भी जीतना है, हिस्टोरियन भी बनना है, राजनीति तो उसी की जिंदा रहेगी जिसके संस्थान होंगे, जिनके इंटेलेक्चुअल होंगे। अगर ब्राह्मणवाद जिंदा है तो राज सत्ता की वजह से जिंदा नहीं है, उसके सोशल हेजमनी, उसके मठ, उनके मंदिर, वो उनके एजुकेशन के सेंटर थे, चाहे मुसलमान आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे उसके पहले जो भी रहे, वहाँ वो बच्चों को पढ़ाते थे, डांस सिखाते थे, म्यूजिक सिखाते थे, सब सिखलाते थे, राइट? क्यों इंस्टीट्यूशंस में राजनीति जिंदा होती है? आरएसएस के लीडर सरस्वती शिशु मंदिर में पैदा होते हैं, इलेक्शन में तो खाली फल काटा जाता है। तो बगैर स्कूल कॉलेज में बात किए हुए, बगैर अखबार पे, बगैर मीडिया के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर इंटेलेक्चुअल के, बगैर रिसर्चर के, सबको हुक्मरान बनाने हाथ 545 ही बनाओगे ना कि सबके, बाकी के लिए क्या आर्थिक मुक्ति के क्या दस्तावेज हैं, मैनिफेस्टो हैं, सामाजिक मुक्ति के क्या दस्तावेज हैं, मैनिफेस्टो हैं, सांस्कृतिक मुक्ति के दस्तावेज हैं, खाली नारा और भाषण है। तो ऐसे लोगों से समाज को एंटीडोट बोलते हैं ना, दवा देना पड़ता है, जो इतने साल से झूठ मूठ के नशा में रखा हुआ है। अरे रियल वर्ल्ड में आओ, डॉक्टर अम्बेडकर से सीखो, वो प्रेशर बिल्डअप करते थे अंग्रेजों पर, डिस्काउंट लेते थे अपने लोगों के लिए, कांग्रेस से लड़ते थे, प्रेशर बिल्डअप करते थे, डिस्काउंट लेते थे। आई हुक्मरान बना रहा है सबको, पार्लियामेंट के गुंबद पे चढ़ा रहा, तब तक पता लगा कि जो भी मिला था वो बेच दिया। क्या अपने लोग ही नशा में रख रहे हैं? क्या नशा में रख रहे हैं ना, उसी को ठीक करने की अभी तैयारी चल रही है। रियल बात है कि बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। ये सब कुछ नहीं, अरे 505 मान लो 4000 एमएलए बन जाएगा तो सब तो तुम जीत नहीं पाओगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिला दो, जब तक ओबीसी से कम्बिनेशन नहीं बैठेगा कितना एमपी जीतेगा बताओ मुझे, बताओ। हवा में खाली कहते हो कि रोज भारत बंद कर रहे हैं, हर 2 महीना में भारत बंद कर रहे हैं, चार एक मोहल्ला तो बंद नहीं करा सकते यार, रियल वर्ल्ड में आओ, नहीं करा सकते हो, कह दो भारत बंद कर देना है। जब भारत बंद तो आज कांग्रेस पार्टी भी ना कर सकती है, ये हालत है इस देश में। तो इसलिए सीधा समझना है, आरएसएस बीजेपी कहती है 70 साल क्या हुआ, अगर दलित भी ये कहना शुरू कर दे कि 70 साल क्या हुआ, तो इसको तो थोड़ा सा इंजेक्शन मारना पड़ेगा ना। 70 साल में हुआ कि कोट टाई पहने घूम रहे हो बहुत सारे लोग, सब तो वाइस चांसलर नहीं बन सकते, कुछ तो बन सकते हैं, ब्राह्मण में तो सब वाइस चांसलर नहीं होंगे लेकिन कुछ तो हैं, तो जो हैं उसी में भागीदारी की बात करो ना भाई। तो ये सब एजेंडा पे नहीं है, ये सब हुक्का रामों ने जो है इंजेक्शन दे दे के सबको, ये सब एकदम पार्लियामेंट में विधानसभा में कूद जाना है, ये सब नहीं जा सकता है भाई, बी प्रैग्मेटिक बी प्रैक्टिकल। तो इस तरह से आप वही आदमी, कितने अपर कास्ट के लोग जाते हैं माइनॉरिटी के खिलाफ वायलेंस करना, ये सवाल है ना। तो ऐसे लोग जो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और जो ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं कि आपको किसी को पाकिस्तान भेजना और किसी को यूरेशिया भेजना, तो दोनों में भेजना ही हुआ, तो पासपोर्ट उसमें बनवाना पड़ेगा, फिर बात करना पड़ेगा पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान से भी, तो ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं जो रियल मुद्दे से आपको भटका कर पाकिस्तान और यूरेशिया की बात करता है, समझ गए? उसका दलित एडिशन है ये, रियल मुद्दा है जो सड़क पर लड़ रहे हैं आज तक। बताइए अगर निजीकरण हो रहा है तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल करता हूँ ना कि कितने दिन जाके पार्लियामेंट घेरे हो, समाज जागृत कर रहे हैं या कौन सा समाज जागृत कर रहे हो? तुम लोग जितना यूट्यूबर 5 साल में जितना जागृत किया उतना तो इतने मिलकर ना किए होगे, बाबा साहब के बाद या कांशीराम जी के बाद, एम आई राइट और रॉन्ग? 5 इंटेलेक्चुअल दिल्ली में बैठ के यूट्यूबर सब जो है जितने लोगों को कनेक्ट कर दिया, ग्लोबली कह रहा हूँ, इसमें से कोई इंग्लैंड या कनाडा चंदा मांगने नहीं जाता है लेकिन लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाते हैं चंदा मांगने जाते हैं, तो ये असेसमेंट नहीं होगा। आप लोगों को कभी बुला के चाय पिलाता है, खाना खिलाता है कभी? बोला समाज मिशन चला रहे हैं, एकदम 40 साल से चला रहे हैं,
समाज जागृत करना है। आप लोग घर में किसी गया है कोई लिटरेचर लेके जागृत करने वाला? पर दोनों विचारधारा में, जैसे आपने कहा कि वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है जो पाकिस्तान भेजने की बात करती है, और इधर दलितों की ब्राह्मणवादी, उसका दलित एडिशन है, एडिशन है, हाँ, दलित एडिशन। तो जिस तरह से वो अपना जो दायित्व हर जगह दिखा रहे हैं, मतलब चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर में उनका रिप्रेजेंटेशन है, इधर क्या कमजोरी आई है? क्या इनके विंग कमजोर हैं, इनकी पार्टियां कमजोर हैं, इनके नेता कमजोर हैं? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है जो यहाँ पर इनके पास सिर्फ नारे हैं? 10 साल पिछले 15 साल का इनका इलेक्शन का वोटिंग पैटर्न उठा के एनालिसिस कर लो, नारे देना, बाबा साहब ने कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो ये मोरल प्रेशर बनाने के लिए भाषण देता है। तो आपके पास गया, बोला बाबा साहब ने कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो आप जेब में से 2000 रुपए निकाल के दे दिए, देखो हम नहीं दिए, हम मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सबसे बचिए, पैसा बचा के घर के बगल में एक गरीब बच्चा है उसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम, ये सब रियल बात है। अगर जिस दलित पॉलिटिक्स में विजन में स्कूल नहीं हो, कॉलेज नहीं हो, एजुकेशन नहीं हो, इंस्टीट्यूशन नहीं हो, इवन कांशीराम जी भी अखबार कहीं निकाले थे, संस्थान बनाए थे, DS4 बामसेव तमाम संस्थान बनाए थे, उसी को ये कौन लोग बांट दिया बताओ? हमने बांटा? लोग जिसने बांटा उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से बटी होगी ना। सब कहता है हम ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल, एक तो कहता है मैं 99.9, उसके बाद फिर डॉट, फिर 99.9, सब मैं ही हूँ। तो एक काम करो, उनको बोलो कि रामलीला ग्राउंड में एक दिन 5 लाख लोग इकट्ठा कर लो, यहाँ से मार्च करके जाओ, संसद घेरो, अब बोलो कि हमारे लोग का हक हकूक जो खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, बंद करो, नहीं तो सरकार गिरा देंगे, ये बोलो। कौन रोका है? किसने रोका है? तो खाली एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त हवा में खाली भाषण देने से, नारे देने से कुछ होने का है? जो हमारे लोगों को अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दिखलाया जा रहा है, मेरे लिए एक आम इंसान के लिए क्या जरूरत है कि आपको रोजगार मिले, आपको बढ़िया एजुकेशन मिले, आपका स्वास्थ्य हो, जितना ये सब भाषण होता है उसमें खाली भाषण, पॉलिटिकल नारेबाजी के अलावा कोई भी आर्थिक मुक्ति के दस्तावेज, सांस्कृतिक मुक्ति के दस्तावेज, कोई सामाजिक मुक्ति के दस्तावेज, कभी इस पे आंदोलन होते या बात होते देखा? खाली हुक्मरान बनना है, कैसे बनोगे ये पता नहीं। आपने एक बात कहा कि ब्राह्मण जो है कोई नहीं जाता, माइनोरिटीज के खिलाफ कोई ब्राह्मण नहीं जाता, दूसरे लोग जाते हैं, इनको उकसाया कौन? कौन उकसा रहा है इसे लोगों को? कौन उकसा रहा है ये आपको कहना पड़ेगा, कौन उकसा रहा है सब नहीं जानता है। अपने लोग पूछ रखने में पीट रहा है वही उकसा रहा है। जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है किसको पड़ी है? जो सफाई कर्मचारी सबसे ज्यादा, प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो सबसे ज्यादा मार उनपे पड़ी है, लेकिन वो पांव धोते हैं, प्रधानमंत्री जी पांव धोते हैं ना जाकर, तो हमारे कई लोग खुश भी होते हैं, सुबह सुबह भजन कीर्तन भी सुनते हैं, सबको एक एक आइकन पकड़ा दिया है, खुश रहिए, कोई स्कूल कॉलेज जरूरत नहीं है, कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, सब लोग एकदम नशे में रहो पूरा, इस देश के हम मालिक हैं, हम मूल निवासी हैं, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। शुक्रिया, थैंक यू।